नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ को ऊर्जा देने वाले शहर कोरबा में। जी हां, कोरबा में मौजूद हैं और यहां भी लोकसभा क्षेत्र को लेकर, यहां की राजनीति को लेकर हम लोगों से जानेंगे, समझेंगे और उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट माहौल टाइट है। तो चलिए चलते हैं कोरबा शहर में। भैया क्या नाम है आपका? विजय साहू। साहू साहब ये बताइए, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस, एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष की धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत तो दूसरी तरफ ज्योतिनंद दुबे, हाँ। क्या देख रहे हैं माहौल? अभी तो माहौल कुछ पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा है। अभी कुछ वो ऐसा माहौल ही नहीं बना है। माहौल ही नहीं बना है, अभी कहाँ माहौल बना है। क्यों सर? नहीं, मेरे को अपना मेहनत करना है और कोई मतलब राजनीति। अच्छा, वोट करने जाते हैं आप? मैं नहीं जाता हूँ। नहीं जाएंगे? नहीं, मैं मेहनत करता हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं। मेरे को टाटा बिल आदमी। अच्छा, टाटा बिल आदमी। चलिए, एक ये भी रिएक्शन आपको मिलेगा जब आप लोगों के पास जाएं। कुछ युवा लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, भैया क्या नाम है? मेरा नाम संजय सोनी है। संजय सोनी जी, आपका चश्मा बड़ा गजब का है। हाँ सर, वो थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन इधर कुछ है नहीं। नहीं, अभी मैं चिपकाऊंगा सर। चिपकाएंगे? तो ये बताइए कि यहाँ की राजनीति क्या कह रही है, बीजेपी कांग्रेस, क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया जो राजनीति से दूर हटते हैं, लेकिन हाँ। इतना राजनीति में तो इन्वॉल्व रहना ही चाहिए कि आप अपने देश के हित में सोच सको, कुछ अच्छा काम कर सको। आप वोट देने जाते हैं? जी हाँ, जाता हूँ। जो युवा वोट नहीं करने पहुँचते उनसे क्या कहेंगे? जो युवा वोट नहीं करते उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने वोट का प्रयोग करें, ये लोकतंत्र का एक पार्ट है और इसका यूज़ करना चाहिए, और अपने क्या सही और क्या गलत है, कौन सी राजनीति पार्टी अच्छा कर रही है, कौन बुरा कर रही है, इस तर्ज पे उनको अपने समझ बूझ से वोट करना चाहिए। वोट तो देना चाहिए, वोट करना चाहिए। कुछ युवा साथी लोग वहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, भैया क्या नाम है आपका? अली अकबर। अली साहब, एक बात बताइए, यहाँ बीजेपी कांग्रेस क्या लोकसभा में क्या कांटे की टक्कर मान रहे हैं आप? कांटे की टक्कर तो नहीं है, बीजेपी ने जो 85 उतारा है, ज्योतिनंद दुबे जी जिनको कोई नहीं जानता कोरबा में, बस यही एक कारण है, बाकी टक्कर तो थी। कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खेला है। हाँ, अगर लांबा जी को टिकट मिलता तो टक्कर थी। अभी क्या माहौल दिख रहा है, थोड़ा सा टाइट है, फाइट है, या अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा। देश में किसकी सरकार देख रहे हैं? मोदी जी की देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं यहाँ की राजनीति के बारे में? देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर भी जैसा यहाँ का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से लग तो रहा है कि ज्योत्सना महंत जी का पल्ला, ज्योत्सना महंत जी यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, लेकिन केंद्र में किसकी सरकार देख रहे हैं, वहाँ क्या माहौल लग रहा है? अभी तक का माहौल तो मोदी जी के ही पक्ष में है। मोदी जी के पक्ष में, बाकी चुनाव है, कुछ कह नहीं सकते। ये जैकेट जो है आजकल बहुत चल रहे हैं, मोदी जैकेट, आजकल इसका नाम ये हो गया मोदी जैकेट, युवा भी पसंद कर रहे हैं, नेता भी पसंद कर रहे हैं। क्या आप जैकेट लेने आए थे? कपड़ा सिलवाने आए। अभी बता दीजिए कि यहाँ कहाँ, इस कोरबा लोकसभा क्षेत्र से ही है? मैं रामपुर विधानसभा से। क्या लग रहा है माहौल आपके क्षेत्र में? ठीक है, दोनों का मतलब बराबर लग रहा है, मतलब माहौल टाइट है। अच्छा, बताइए इलाके की राजनीति क्या समझ में आ रही है आपको, किस तरह की हवा चल रही है? 50-50 है, माहौल टाइट है। हाँ, 50-50 खेल है। 50-50 खेल है, आप बताइए सर। कोरबा लोकसभा से तो वही है, हाँ, कि 50-50 ज्योत्सना महंत शायद निकाल लेंगे, शायद निकाल लेंगे। का कैंडिडेट है ना, हाँ। कमजोर है, मतलब उसको पब्लिक इधर जानती नहीं है, ज्यादा पब्लिक नहीं। हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे कांग्रेस का ही माहौल लग रहा है, 8-9 सीट का। एक तरफ ज्योत्सना महंत है, दूसरी तरफ ज्योतिरंद दुबे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको राजनीति का कोरबा का? यहाँ का मुझे तो कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा निकलना भी नहीं होता है। फिर भी हवा क्या चल रही है? मेरे ख्याल से महंत जी का आना चाहिए। अच्छा, महंत जी का आपको लग रहा है। सर क्या खरीद लिया? अंगूर केला। अभी बता दीजिए कि राजनीति का स्वाद कैसा है, मीठा है या थोड़ा खट्टा है, यहाँ क्या लग रहा है माहौल? यहाँ का माहौल तो ज्योत्सना महंत ही है और कांग्रेस का ही सरकार इस बार बनना है। देश में किसकी सरकार देख रहे हैं? देश में तो अभी मोदी का सरकार चल रहा है, बीजेपी का, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस का सरकार बनेगा, ये हमारा दावा है। क्या लग रहा है आपको माहौल यहाँ का? शांति है, एकदम शांति है, बिल्कुल शांत है। बीजेपी कांग्रेस कुछ पता नहीं चल रहा है, ज्यादा नहीं बोल सकते इसके बारे में, ज्यादा नहीं बोल सकते। आप बताइए भैया, देश में मोदी? अच्छा, ऐसा क्यों सोच रहे? मोदी चाहिए 5 साल और, क्योंकि उसके टक्कर का कोई है नहीं नेता यहाँ पे। यहाँ का माहौल क्या देख रहे हैं? यहाँ जो भी खड़े हो अपने को मोदी को जिताना है, दैट्स ऑल। चलिए, अब आपका अलग एक विचार है। सलाम साहब, क्या हाल है साहब? सब आप लोग का आशीर्वाद है, दया दृष्टि है, सब ठीक है। वाह, क्या शुद्ध हिंदी, आप लोगों का आशीर्वाद, दया दृष्टि वगैरह सब।
आप ये बता दीजिए सर कि इस इलाके की राजनीति क्या कह रही है, क्या समझ में आ रहा है? अब राजनीति यहाँ का तो कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या होगा नहीं होगा, मगर कोई भी जीते काम अच्छा करे, काम अच्छा करे भाई, कोई भी जीते काम अच्छा करेगा। ना हमको उस पार्टी से मतलब है, ना हमको उस पार्टी से मतलब है, कोई भी जीते काम अच्छा करे, देश का विकास। हवा क्या लग रही है आपको लोग बातचीत में? मतलब ज्यादा कांग्रेस की लग रही है इधर, कांग्रेस की लग रही है। देश में, देश में कहा नहीं जा सकता है, वो उलट पलट है, उधर माहौल फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। चलिए और लोग हैं उनसे जाते, उधर का माहौल फंसा हुआ है। और भी भैया, एक भैया हैं बिल्कुल जूस का आनंद ले रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रीतम यादव। प्रीतम भाई, किससे प्रेम करेगी जनता, क्या लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, देश में किसे देख रहे हैं आप? बीजेपी, बीजेपी को देख रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ की राजनीति का? अरे भैया अब यहाँ तो क्या है, बढ़िया बघेल जी बैठे हुए हैं। अच्छा, केंद्र में मोदी, केंद्र में मोदी, मोदी ही। और यहाँ से इस सीट से मोदी का जो भी पार्टनर होगा। अच्छा भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? सचिन राठौर। सचिन साहब, अब की बार कौन शतक मारेगा, किसकी बैटिंग ठीक दिख रही है आपको राजनीति में? लोकसभा में तो अनडाउटेडली बीजेपी है, मतलब बाकी कोरबा, हम लोग प्रॉपर कोरबा के नहीं है तो इसके लिए बेटर आपको बता सकते हैं। चलिए जो प्रॉपर कोरबा के उनसे पूछते हैं। मैं भी कोरबा से बाहर ही हूँ, बिलासपुर से हूँ मैं। बिलासपुर से है, फिर भी यहाँ आते जाते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? पर यहाँ यार कांग्रेस का तो हमेशा रहा है, हालांकि लास्ट टाइम बीजेपी रहा, लेकिन अभी तक कांग्रेस का ही ज्यादा लगा। देश का क्या माहौल देख रहे हैं? देश में तो बीजेपी ही आएगा, मोदी ही आएगा। ये देखिए हम एक बार और बता दें किस तरह वो पेड़ से उतर रहा है, जरा उनसे उसको भी देख ले और बाकी लोगों से भी बात कर ले। एक आम के लिए इतनी ऊपर चढ़ जाना ये कोई आम बात नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? गिरधर चंद्र। गिरधर भाई, मैं रायगढ़ से हूँ सर। रायगढ़ से, रायगढ़ का क्या माहौल है, वहाँ भी जा रहे हैं हम लोग, वहाँ भी पहुँचेंगे? रायगढ़ में तो भाजपा की माहौल बन रहे हैं। अच्छा, और देश में क्या माहौल देख रहे हैं? देश में तो मोदी सरकार ही आएगी, मोदी सरकार 100% मोदी सरकार आएगी। भैया नमस्ते। वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, क्या लग रहा है माहौल यहाँ का कोरबा का? किस विषय में? राजनीति का। राजनीति में आप कोरबा का माहौल क्या बताएं भी अपन, मतलब समझ लीजिए आपकी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, किसी को बड़ा छोटा कुछ, किसी को बड़ा सोचा, किसी माहौल टाइट है, एकदम टाइट है माहौल, एकदम टाइट। हालांकि हम चाह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बने। अच्छा हाँ, ना चलिए भैया से पूछते हैं, वो हेडफोन लगा गाने सुन रहे हैं या हमारी बात सुन रहे हैं? बात तो सुन, बात सुन रहे हैं। अच्छा बताइए कि क्या घिस लिया आपने हाथ में? कुछ नहीं, उसको छोड़िए, मतलब चुनाव के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे पर आ जाइए, मेरा डोज का काम छोड़ दीजिए। ये बताइए क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे, चर्चा ही चलते रहता है, कुछ काम क्या चर्चा चलती है? आप युवा, युवा को क्या चल रहा है? काम धाम का टेंशन, और क्या टेंशन रहेगी इस उम्र में आदमी को, इस उम्र में क्या टेंशन, हाँ युवा आदमी को और क्या तनाव होगा। फिर भी राजनीतिक माहौल क्या देख रहे हैं? राजनीतिक माहौल देखिए, टक्कर तो कांटे की है, और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तो मैं नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मेरा जो अंदाजा है तो मोदी की सरकार आनी तय है, ऐसा आप, थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे होगा वो बात अलग है, लेकिन आनी तय है। अच्छा, केंद्र में। चलिए यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं, कुछ और लोगों के पास चलते हैं, जरा ये इनसे जरा मुझे राजनीतिक समझ दिख रही है, इनकी राजनीतिक समझ तेज दिख रही है। दादा क्या नाम है आपका? जनार्दन सिंह। जनार्दन जी, इस इलाके का माहौल क्या कह रहा है राजनीतिक रूप से? बीजेपी आएगा यहाँ, ऐसा सब लोग मूड बनाए मोदी के लिए। अभी चाय की दुकान पर बात हो रही थी, बोले कैंडिडेट कमजोर है, उसे नहीं, सब मोदी को देख रहे हैं। अच्छा, पूरा मोदी को देख, आप वोट करने जाते हैं? हाँ। जो लोग वोट करने नहीं पहुँचते, मतदान का इस्तेमाल नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, उनके लिए क्या कहेंगे? मतदान के लिए जो नहीं करना है उसके लिए सेवा करेंगे, किसी तरह ले जाएंगे बूथ में, ले जाएंगे। चलिए ये अच्छी बात है कि किसी भी तरह ले जाएंगे बूथ पर। चलिए आगे चलते हैं, और भी लोगों से समझते हैं। शहर को समझने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ के आम लोगों से बात करनी होगी, तो हमने सोचा कि कुछ ऑटो वालों से ही बात कर ली जाए, शायद उनसे कुछ समझ में आ जाए कि यहाँ का मिजाज क्या चल रहा है। क्या चल रहा है दादा माहौल राजनीति का? राजनीति का माहौल भैया जो कुछ है ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, और 23 को शायद चुनाव भी है। हाँ, कौन जीत रहा है इधर से, क्या लग रहा है? अब भैया भी तो चुनाव को बाद में बताएंगे कौन जीतेगा, कौन, हवा किसकी चल रही है? वैसे तो कांग्रेस ही दिख रहा है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से देश में? देश में तो मोदी, मोदी लोग बोल रहे हैं, मोदी को आना भी चाहिए। चलिए और भी ऑटो वाले भाई लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानेंगे, बात करेंगे। भैया क्या नाम है? मतलब भैया रहने दो, क्या रहने दो, अरे कुछ तो समझते होंगे राजनीति के बारे में। क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनीति के बारे में क्या समझते हो, क्या कह रही है इलाके की यहाँ की राजनीति, कौन जीत रहा है, हैं? इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ? अरे क्या बताओ, वोट करने जाते हो? जाते हैं। तो लोगों से कुछ समझते हो राजनीति के बारे में? कुछ नहीं बोलोगे? क्या बोलो भैया राजनीति के बारे में? अरे किसकी हवा चल रही, केंद्र में किसकी सरकार बनती दिख रही, मोदी, कांग्रेस, कमल, पंजाब, क्या लग रहा है अभी को? तो दोनों का भैया माहौल टाइट है, माहौल टाइट है दोनों का।
चलिए घूमते हुए एक और चौक चौराहे पर पहुंचे, यहाँ लोगों से जानते समझते हैं कि आखिर इलाके की राजनीति क्या कहती है और राजनीतिक माहौल क्या है। भैया क्या नाम है आपका? विश्वराज चंद्रा। अच्छा, वोट देने लायक हो गए? हाँ। अब पहली बार जाओगे वोट देने के? हाँ, पहली बार जाओगे। पहली बार वोट देने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे, क्या सोच रहे हो देश के बारे में? एक देश समृद्ध देश बने भारत, आगे हमेशा बढ़ता रहे और युवाओं को ऐसी मोटिवेट करेगी देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम हर किसी को वोट देना जरूरी है। क्या लग रहा है इस इलाके की राजनीति के बारे में, कितना समझती है, क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? भाई पूरे साल 5 साल तक मोदी जी ही छाए रहे, तो इससे पहले तो किसी नेता को ऐसा छाते हुए देखा नहीं। छाते हुए नहीं देखा जी। वाह, इनके पास एक छाता है जो इन्होंने अपनी सोच का छाता खोल दिया कि किसी को छाते हुए नहीं देखा। इनके साथ एक भाई है, उनसे पूछते हैं। भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल तो लग रहा है सर कि टाइट है। टाइट तो नहीं है सर, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या कांग्रेस हो या बीजेपी है तो दोनों ही बुरे देश के लिए। दोनों बुरे? दोनों बुरे, क्योंकि जब तक कांग्रेस का था तब कांग्रेस ने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया। मोदी सरकार आई, कुछ अच्छा काम करने का कोशिश की, लेकिन सामने वाले उनको करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोदी अकेले ही कुछ तो कर नहीं सकते ना, साथ सपोर्ट चाहिए उनको, उनकी भी। आप? हाँ मैं जाऊंगी वोट करने जाएंगे। हाँ, हाँ, और जो लोग नहीं पहुंचेंगे उनसे क्या अपील करेंगे? वोट मैं मोदी को दूंगी। आप तो मोदी को देंगे, लेकिन जो लोग वोट नहीं करने पहुंचेंगे, जैसे आप जैसे युवा हैं, नहीं उनको तो करना ही चाहिए। अच्छा, उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर हमको किसी को चूज करना है तो हमको करना ही चाहिए। चलिए इनके साथ एक और भाई। भाई क्या शुभ नाम आपका? चंद्रगुप्त सिंह चंदेल। वाह, चंद्रगुप्त सिंह चंदेल, ठाकुर वाकुर लग रहे हो एकदम, बिल्कुल कड़क मूंछों के साथ। ये बताइए इस इलाके की राजनीति को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, क्या हवा चल रही है? यहाँ का तो रहने वाला नहीं हुए हैं, अब केंद्र में देख रहे हैं, उस हिसाब से तो मोदी की लहर चल रही है, तूफान चल रही है, समझ बोलना चाहिए। लहर नहीं, तूफान चल रहा है। तूफान चल रहा। युवा वोट करने पहुँचता है, कई युवा वोट करने नहीं जाते, हमें क्या लेना देना, इस सोच से उभरना चाहिए। वोट तो देना चाहिए, वोट बिल्कुल, भले किसी को भी दो, लेकिन वोट देना ही चाहिए, वोट देना चाहिए, हर इंसान को वोट देना ही चाहिए। अगर आप वोट नहीं दे रहे हो तो आपको 5 साल किसी और सरकार को बोलने का कोई हक नहीं है, अगर आप वोट दे रहे हो तभी आपको बोलने का, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। चलिए, अरे भैया इधर आइए, क्या नाम है आपका? शकील। शकील भाई, शकील भाई को ढूंढ रहा था इतने दिन से मैं, शकील भाई का, शकील भाई बहुत दिनों बाद मिले हो यार, मेरा भी एक दोस्त शकील घूम गया है, मिल नहीं रहा है मुझे, आप मिल गए, आप ही मेरे दोस्त। ये बताओ क्या लग रहा है इलाके का माहौल? जयसिंह एक बार, अरे जयसिंह कहाँ खड़ा महाराज, मैं तो देश का पूछ रहा हूँ, विधान, यहाँ लोकसभा की बात हो रही है, विधानसभा की बात कर, विधानसभा चुनाव हो गया? राहुल गांधी हैं? राहुल गांधी, राहुल गांधी ऐसा जीतेगा ना? ऐसा सब अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अब उस चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। चलिए चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, हम भी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे नतीजे आए, भाई किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन हाँ वोट करने ज़रूर जाइएगा। कोरबा में बुधवार के दिन जो है वो बाजार लगता है, बुधवारी बाजार, यहाँ पहुँच गए, लोगों से जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि आखिर यहाँ की राजनीति क्या करी। भैया क्या नाम है आपका? सुधीर केसरे। सुधीर भाई, इस इलाके में राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस क्या हवा लग रही है, किसका पलड़ा भारी है? बोल रहा तो सर बीजेपी का ही भारी है। अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार दिख रहे हैं? मोदी। अच्छा, ये बताइए इस इलाके की राजनीति क्या कह रही है? हम लोग तो सर मोदी में हैं, मोदी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे सर, मोदी ने बहुत काम किया है। हाँ हाँ, एयर स्ट्राइक्स लेके और देश में सेना को बढ़ावा दिए हैं। हाँ, हम लोग खुश हैं सर मोदी से, मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस? ये तो अभी भले हल्ला चल रहा है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी आएगा भैया केंद्र में, केंद्र में मोदी का सरकार बनेगा। अच्छा, नहीं नमस्ते, क्या हाल? सब बढ़िया, क्या लेके जा रही है? चिंगरी से उसकी लेके जा रहा हूं। वोट करने जाबो? हाँ। अच्छा, हाँ। और कौन की लहर चल रही है यहाँ, बीजेपी कांग्रेस पंजा या कमल? आई कमल, कमल की लहर चल रही है। चलिए, ये आम मतदाता है, इनसे भी हमने पूछा, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। अब बताइए क्या किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, बीजेपी या कांग्रेस का? बीजेपी आना चाहिए, कांग्रेस का है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, बीजेपी क्या कर रहा है, 5 साल राज चला है, क्या किया रहा है हम लोग के लिए, इतना कितना दिन राज चला है, कुछ किया का? तो कांग्रेस आएगा, सब करेगा। अच्छा, कांग्रेस आएगा। आप बताइए भैया, बोलिए क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी सर। क्यों, एक तरफ तो सब कह रहे ना, कोई 72,000 देने के लिए तैयार है, कोई 6,000। ठीक है सर। अरे देने से कहने से हो जाता है कि करने से होता है? अच्छा, करने से हो जाता है। देश चलाने का मुद्दा है ना मेन, पहले देश चलाने का मुद्दा है सर, देश जो चला पाएगा उसी को दिया जाएगा सर जी। बड़े नाराज है? नहीं सर। नाराज तो नहीं इनसे? नहीं, कुछ पंगा तो नहीं हुआ सुबह सुबह? नहीं। वो बड़ा हंस रहे हैं, उनको पता होगा, क्यों हमारे आने से पहले कुछ पंगा हुआ क्या? पंगा तो होता ही रहता है। हाँ बोलिए। ये बताइए क्या लग रहा है माहौल इस इलाके का?
इस इलाके का माहौल तो अभी भाजपा का ही चल रहा है। ऐसा? हाँ। क्या नाम है आपका? अमृतलाल। अमृतलाल जी, इस इलाके की राजनीति क्या कह रही है? राजनीति है तो कैसे है, लोग कहे कैसे का है साहब? अब बीजेपी या कांग्रेस? अभी के देखो मैं तो अब कांग्रेस के ज़्यादा है, कांग्रेस का माहौल ज़्यादा दिख रहा है। चलिए और आगे चलते हैं, और लोगों से पूछते हैं, और लोगों से बात करते हैं। ये पूरी छान ली इन्होंने। भैया क्या नाम है? दिनेश चौहान। दिनेश भाई, एकदम गर्मा गर्म पूरी इसी गर्मी में क्या कहो, आदमी को पसंद है? आदमी की पसंद है। ये बताओ इस इलाके में माहौल क्या चल रहा है, बीजेपी का कांग्रेस का, किसका माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। हाँ। देश में तो मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी का हर जगह बढ़त नजर आ रही है, हम टीवी देख रहे हैं, देख रहे हैं। आप टीवी देखते रहिए और IBC 24 भी देखते रहिएगा। हम और लोगों से जानते हैं, पूछते हैं, समझते हैं अभी क्या लग रहा है माहौल इलाके का, बीजेपी कांग्रेस। आप कौन जानेगा कौन जीती तो अजी कौन है, हम ये नहीं पूछ रहे कौन जीतेगा, लेकिन माहौल क्या लग रहा है, किसकी तैयारी ज्यादा दिख रही है? अजी तो कांग्रेस के लगा थे ज्यादा, कांग्रेस को। आपको? मेरे को भाजपा लग रहा है। भाजपा लग रहा है। आपके घर से? हाँ। एक ही घर में दो विचार? क्या करोगे, अपना अपना विचार है। डराएंगे तो नहीं आपको? डराएंगे तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्यों झगड़ा होता है? नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता होगा। नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, और लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। बताओ क्या लग रहा है माहौल यहाँ राजनीति का? राजनीति का माहौल उतना तो ज्यादा प्रचार नहीं है अभी। प्रचार नहीं है। किसकी आवाज लग रही, बीजेपी की कांग्रेस की? कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस की आवाज लग रही। अच्छा, इलाके में विकास हो गया है? विकास तो नहीं हुआ है। अच्छा, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के देवगुटी गांव में है, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पूरा वन इलाका है, मैं दिखा दूँ आपको कि जिस तरह से पूरा वन आच्छादित इलाका है, और सिक्योरिटी भी वन विभाग की यहाँ रहती है। भैया क्या नाम है आपका? कमल सेराठिया। कमल भाई जी, वोट देने तो जाते होंगे आप? जी जी। आपकी बार क्या लग रहा है कोरबा लोकसभा क्षेत्र में, किसका माहौल दिख रहा है आपको, बीजेपी का कांग्रेस का? यहाँ तो पता नहीं चल रहा है माहौल, मेरे को तो कल टीवी पर देखा था परसों, वो हिसाब से लग रहा है बीजेपी आएगा। अच्छा, उस हिसाब से लग रहा है आपको बीजेपी आएगा। चलिए और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है। वोट देने लायक हुए आप दोनों? हो गए? अरे वाह, इस बार वोट करने जाओगे? हाँ। क्या युवा क्या सोच कर वोट करता है भैया, आप लोग जब पहली बार वोट करने जाएंगे तो क्या मन में है? क्या सिर्फ बटन दबाने जाएंगे? किसका माहौल लग रहा है इधर, बीजेपी का कांग्रेस का? बीजेपी का लग रहा है देखने में। आप वोट देने लायक हो गए? हो गए। क्या लग रहा है माहौल आपको? बीजेपी लग, बीजेपी का लग रहा। चलिए एक और शख्स हमारे साथ हैं, क्या हाल है सर? ठीक है सर। क्या नाम है? यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? नॉन बिरा का है। अच्छा, नॉन बिरा। वहाँ क्या माहौल लग रहा है? वहाँ का तो माहौल दोनों बराबर ही दिखते हैं, फाइट है, माहौल टाइट है। कुदबुरा गाँव में है, कोरबा लोकसभा क्षेत्र लगता है, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है, राजनीति को ये कितना समझते हैं, और राजनीति के साथ साथ यहाँ के इलाके की क्या हवा चल रही है। दादा क्या नाम है आपका? मैं गीतकुआरी का हूँ। हाँ जी, मैं बच्चन सिंह। अच्छा, बच्चन सिंह नाम है आपका? हाँ, राठौर। ये बताइए बच्चन सिंह जी, यहाँ लोकसभा क्षेत्र की हवा क्या कह रही है, किस का तरफ पलड़ा भारी लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? वहाँ क्या दिख रहे हैं, उनसे पूछेंगे, आप बताइए किसका पलड़ा भारी लग रहा है, पंजे का, कमल का? माहौल में तो अभी वो क्षेत्र हमारे क्षेत्र में जाता है, जैसे फूल वाले ज्यादा दौड़ धूप कर रहे हैं। अच्छा, फूल वाले ज्यादा दौड़ धूप कर रहे हैं। हाँ, पंजा वाला नहीं कर रहे हैं, पंजा वाला इधर नहीं कर रहे हैं। हाँ। और भी लोगों से जानते हैं, इलाके में हमेशा जो है बदलते रहते हैं सांसद। हाँ, बदलते रहते। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको? अब की बार बदलाव, बदलाव ला रहे हैं आप जी। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार जी, वोट देने जाते हैं आप? बिल्कुल जाता हूँ सर जी। हाँ, कुछ लोग नहीं जाते, उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे यही सलाह दूंगा कि वो वोट डालें। वोट डालें। हाँ। हाँ। बड़ा शांत एरिया है एकदम से इलाका, क्या तासीर है इस इलाके की? क्या बोले, क्या हाल है इस इलाके की? हाल वही तो, शांत एरिया है, शांति से चल रहा है सब। हाथी वाती का तनाव ज्यादा रहता है क्या इधर? हाथी तो पर डे है, अभी किधर देखे आपके पास तालाब, ये जंगल है, क्या बोलते हैं, जामनारा जंगल। हाँ। उधरी ना हाथी का पूरा डेरा रहता है। अच्छा। पब्लिक लोगों को परेशानी है, है। तो अब की बार क्या देख रहे हैं राजनीति में, लोकसभा में आप, बीजेपी कांग्रेस क्या हवा चल रही है? अब लहर तो दोनों का चल रहा है, माहौल टाइट है। हाँ, टाइट है माहौल, कौन जीतेगा उसको तो आप कहा नहीं जा सकता है ना। चलिए और लोग से बात करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए कुछ और साथी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जय सिंह जगत। जय सिंह भाई, वोट देने लायक हो गए हो?
जी सर। हाँ, अब की बार वोट देने जाओगे? जाएंगे जाएंगे। पहली बार वोट देने जा रहे हो, क्या सोच रहे हो मन में? पहली बार जा रहे हैं तो अब क्या सोचेंगे, जाएंगे और दबाएंगे सीधा। जाएंगे और सीधा दबाएंगे। आप कहाँ से हो? बिहार से। अरे तेरी की बिहार, वो भी छत्तीसगढ़ के घोर जंगल में। क्या करते हो? काम करते हैं। काम करते हैं। बिहार में क्या माहौल लग रहा है? नीतीश, लालू, बीजेपी, कांग्रेस, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी दिख रहा है इनको। बोलो अपने काम से बिजनेस रोड वाले हैं। देश में किसकी सरकार बन रही, क्या माहौल देख रहे हैं? अब देखिए मोदी का बनना चाहिए सर हमारे हिसाब से। मोदी साहब का क्या नाम है आपका? बैजनाथ अग्रवाल। बैजनाथ जी, इस इलाके की जनता जो है बड़ी चुप है, लेकिन माहौल तो है वो दोनों तरफ टाइट चल रहा है। क्या कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या हवा चल रही है? मैं सर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अरे तेरी नहीं, कांग्रेस नेता भी समझ जाओ, कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता। तो आपकी पार्टी की मेहनत कैसी है? मेहनत तो अभी टफ जा रही है सर, लेकिन जो है हमको पूरा भरोसा है कि 90% जो है कांग्रेस का ही यहाँ से वोटिंग मिलेगी। वहाँ भी देख लेते हैं कि आखिर यहाँ के सोसाइटी का माहौल क्या है, क्या लोग ले रहे हैं, कौन सा चावल ले रहे हैं, कैसा चावल ले रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। सर नमस्ते, क्या हाल चाल? बस ठीक है सर। बस ठीक है। आज क्या सोसाइटी का दिन है आज? हाँ सर, चावल का इंतजार कर रहे थे, दो महीने का। दो महीने का चावल आ गया है? आधा पहुंचा है सर, आधा नहीं पहुंचा है। अच्छा, आधा पहुंचा है। एक ही महीने का दे रहे हैं अभी। अच्छा, अभी एक ही महीने का दे रहे हैं। दो महीने का आ गया, अभी एक ही महीने का दे रहे हैं? नहीं, पूरा नहीं गिरा है सर, आधा गिरा है। अच्छा, आधा गिरा है तो आधा दे रहे हैं जी। अच्छा, एक व्यक्ति को कितना चावल दे रहे हैं? वो 7 किलो के हिसाब से, और गुलाबी है तो 35। अच्छा, चावल क्वालिटी ठीक है? क्यों भाई, चावल की क्वालिटी ठीक है? हाँ, अच्छा चावल है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा चावल? हाँ हाँ चावल। यानी ठीक लग रहा है चावल आपको? हाँ। अच्छा, और इलाके में ठीक चल रहा है माहौल, क्या कह रही राजनीति? चलते बड़े यहाँ। अच्छा, ये चावल माहौल ले गए लोग, और भी लोग लेने आए। कितना चावल मिलता है आपको? 35 किलो। 35 किलो मिलता है। आप 7 किलो बिता रहे? नहीं, एक व्यक्ति का 7 किलो, एक व्यक्ति का, और 5 जने तो 35 किलो। पूरा महीने के बराबर मिल रहा है? अच्छा, हमला तो क्या कहते हैं, 21 किलो दे रही है। 21 किलो भैया, इनको 21 किलो क्यों दे रहे हो? गुलाबी कार्ड है, गुलाबी कार्ड है इनके पास। नीला बन गया। अच्छा, नीला बन गया। चलिए, ये इस इलाके की अपने एक पर्टिकुलर समस्या है। हालांकि और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ले लिया दाई सामान? हाँ, ये तो मिले हैं चावल 7 किलो। 7 किलो, कितने लोग हैं घर में? एक जने। एक जना? हाँ। तो कोई वृद्धा पेंशन मिल? हफ्ता में खाऊँ 7 किलो ला। अब महीना में खाओ कि हफ्ता में खाओ, बड़ी समस्या है ये। समस्या है ताए दारी, हम नहीं देन वोट, हमला 7 किलो मिला थे। अच्छा, वोट देने नहीं जाओगी? नहीं दे। अच्छा, नहीं वोट देने तो जाइए, फिर कोई समस्या तो हल होती रहेगी। नहीं हो हमार हल, डोकरी एक थे, बाल बच्चा नाती नती मोर ना जाने। नहीं मेरा है नमक चना। नमक चना नहीं मिल रहा है जी। तो वो ये दाई तो कह रही मैं वोट देने नहीं जाऊंगी, ऐसे करेंगे तो समझाओ इनको, वोट देने तो जाए? नहीं। बोलो अम्मा, वोट देने तो जाए? नहीं जाएंगे ऐसे में तो। क्यों नहीं जाएंगे? अब ऐसे बंद करते जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? ये भी देखो समस्या है, कुछ लोग मतदान का बहिष्कार करते हैं, लेकिन हम इन्हें समझा रहे हैं कि मतदान करने जरूर जाइएगा। क्या समस्या था, इधर आओ। हमन सब देबो वोट, लेकिन हमन हमार पेट ला भारी होता तो देबो। अब ये नेताजी हमारे साथ है, नेताजी जरा आपकी सरकार जरा इनकी समस्या तो हल कर दीजिए। 2 महीने के चावल में 1 महीने का डला है यहाँ। हाँ, देखिए नेताजी, आपको फिर कैसे आप लोगों को समझाएंगे, आपकी पार्टी कैसे समझाएंगे? यहाँ तो माहौल टाइट दिख रहा है। नमक नहीं दे रहा है सर, यहाँ चना नहीं आया है। अधिकारी जी, ये चना नमक कहाँ है यहाँ का? नहीं आया है सर, बंद कर। आप लोगों ने बोला ऊपर के आना चाहिए, उधर पूरा बंद है सर। पूरा बंद है जी सर। चलिए, चुनाव का माहौल है, नमक चना बंद है, किसको चावल मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसी का कार्ड बना है, ये थोड़ी सी एक समस्या है। हालांकि हमारा शो का जो सेगमेंट अलग है, लेकिन समस्या देखी तो आ गए, क्योंकि मीडिया का काम है हम लोगों का, और थोड़ा बहुत हम दूसरा काम भी कर लेते हैं।